तो जो आज का टॉपिक है दैट इज अल्कोहल। बेसिकली 12th क्लास का टॉपिक है कि अल्कोहल क्या है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ वगैरह कैसे कैसे होंगी। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें हम कुछ प्रिपरेशन ही कर पाएंगे ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में होगा ये बेसिकली, क्योंकि मैं पूरा मैकेनिज्म के साथ आपको बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लंबा लग जाएगा। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हेलो हेलो एल्केन। उसके बाद हेलो एल्केन में भी हम देख लेंगे कि क्या क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 डिग्री बना सकते हैं, 2 डिग्री बना सकते हैं, 1 डिग्री बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। फिर रिडक्शन मेथड से देखेंगे रिडक्शन। फिर क्या देखेंगे, जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट पे, क्योंकि देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है बहुत फेमस रिएजेंट है। और दूसरी क्या बात है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट हर जगह आएगा, प्रिपरेशन में भी आएगा, प्रॉपर्टी में भी आएगा, आगे एल्डिहाइड पढ़ेंगे वहाँ पे भी आएगा, कीटोन पढ़ेंगे वहाँ पे भी आएगा। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम मेन फोकस मान के चलेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि अल्कोहल होता क्या है। ठीक है, तो ROH नाम से एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको अल्कोहल कहते हैं। R स्टैंड्स फॉर कार्बन चेन, जैसे CH3, OH मिथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल। थोड़ा बड़ा कर देंगे, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी ओ एच, तो कितने कार्बन हो गए, दो दो चार और एक पाँच। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटेन वन ओल पेंटेनॉल। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब एल्कोहल है। ठीक है, अच्छा अब एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, मीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के हिसाब से। जैसे कि कोई कार्बन है उस पे OH लगा है, ठीक है, इधर एक R लगा है, इधर H लगा है और यहाँ पे H लगा है। कार्बन के एक हैंड में क्या है, R लगा हुआ है, दूसरे हैंड में H है, नेक्स्ट हैंड में भी H है और एक हैंड में OH लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, देन R बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड R, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये मे भी डिफरेंट और सेम कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे OH लग गया, ये क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट देखेंगे R1 C R2 R3 एंड OH, ये क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री 3 डिग्री और 2 डिग्री, तीन टाइप के अल्कोहल हो गए। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, तो तीन टाइप का बेसिकली हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है, ये तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन द कार्बन, कि OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन का कैरेक्टर कैसा है। अब हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप कि कितने टाइप के OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, सॉरी कितने सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो अगर कोई सी है, जैसे कि कोई कार्बन है, एक OH लगा दिया, दूसरा OH भी लगा दिया, इधर R लगा दिया, इधर H लगा दिया। कोई दूसरा कार्बन है, एक R लगा दिया, एक C लगा दिया, एक सिंगल OH है, इधर H है, इधर भी H है। कोई तीसरा आर है, सी लगा दिया, ओ एच लगा दिया, ओ एच लगा दिया और ओ एच लगा दिया। अब क्या है, देखिए पहले बीच वाले स्ट्रक्चर को देखिए, इस पे क्या है, एक सिंगल ओ एच प्रेजेंट है, ये एक सिंगल ओ एच है। ठीक है, जिस कारण से इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, सेकेंड वाले को देखिए, साइड वाले को, यहाँ पे एक और ओ एच है,
यहाँ एक और OH है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड वाले पे देखिए तीन बार OH लगा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, तीन तरह के एल्कोहल है। ठीक है, अच्छा अब एल्कोहल की हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे, एल्कोहल बनाया कैसे जाए। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इस बातचीत को थोड़ा हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहला कैसे है, फ्रॉम हैलोअल्केन। तो देखिए एक जनरल सा फंडा याद कर लीजिए कि व्हेन हैलोअल्केन रिएक्ट्स विथ KOH और NaOH, KOH के साथ रिएक्ट करेगा या फिर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, किस कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में, तो ये क्या बना देगा, एल्कोहल। ये तो एक जनरल रूल हो गया, व्हेन हैलोअल्केन रिएक्ट्स विद KOH और NaOH इट गिव्स एल्कोहल। ठीक है, कैसे होगा, कैसे, RX प्लस KOH एक्वस गिव्स ROH प्लस KX, ऐसा लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को R के फॉर्मेट में कर दिया, एल्काइल फॉर्मेट में। अच्छा, एल्काइल फॉर्मेट से कार्बन फॉर्मेट पे आते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X प्लस KOH गिव्स CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड क्या, OH, X की जगह क्या लग जाएगा, OH प्लस KX। ठीक है, अब क्या आते हैं मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म में कैसे होगा कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड BR, सपोज हमने ये रिएक्शन ली हुई है, इसका रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, हमें बन के क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस KBR। ठीक है, मैकेनिज्म में ये देखना है कि ये बनेगा कैसे, रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो देखिए कैसे कैसे हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2, अब देखिए ये जो BR है यहाँ लगा हुआ है, ये BR क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, BR के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, प्लस K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, OH के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए एक तो नेगेटिव स्पीसीज ये है, दूसरा नेगेटिव स्पीसीज ये है। ठीक है, तो अब क्या है, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, OH आ जाएगा उस जगह पे जहां पहले BR लगा हुआ था, BR चला जाएगा कहां, जहां से OH निकल के आ रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस KBR। ठीक है, ये बन गया, अच्छा ये क्या बना, ये बना प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, जब भी हम प्राइमरी हैलोअल्केन, यहां मैं लिख भी देता हूं, प्राइमरी हैलोअल्केन हैव मोर टेंडेंसी टू गिव एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी हैलोअल्केन का रिएक्शन कराएंगे तो हमें ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो एल्कोहल ही देगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं तो कभी कभी वो एल्कीन भी दे देता है। ठीक है, उस टाइम वो एल्कलाइन कंडीशन में होता है, एक्वस कंडीशन में नहीं होता है, एल्कलाइन कंडीशन में होता है, लेकिन
यहाँ कुछ लिमिटेशंस के साथ रिएक्शन चलेगी, जैसे कि CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड BR, बॉन्ड H। ये क्या है? ये 2° एल्काइलाइड है, एक यहाँ लगा हुआ है कार्बन, एक यहाँ लगा हुआ है कार्बन, और जो हमारा फंक्शनल कार्बन है जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस पे दो हैंड में RR लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एक 2° एल्काइलाइड है। ये क्या है? 2° एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये जब रिएक्ट करेगा KOH के साथ तो क्या होगा? ये BR और ये OH, देखिए BR आ जाएगा इधर, OH चला जाएगा इधर। ठीक है, तो ये क्या बना देगा? CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड H, बॉन्ड नीचे CH3, बॉन्ड OH प्लस KBR। ठीक है, यहाँ पर भी बन गया 2° अल्कोहल, बट वी गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड एल्कोहल। मतलब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एल्कीन भी बना देगा। ठीक है, कैसे बना देगा जी एल्कीन? क्योंकि किसी एक कार्बन से, या तो पेन देखिए कहाँ चल रहा है, या तो इस CH3 से या तो इस CH3 से, इन दोनों में से किसी एक कार्बन से क्या होगा? एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक BR निकल जाएगा, HBr माइनस हो जाएगा और बन जाएगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। ठीक है, तो एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है कि मिक्सचर बन सकता है, लेकिन जब हम टर्शरी एल्काइलाइड लेंगे, 3° एल्काइलाइड। ठीक है, 3° एल्काइलाइड कैसा होता है? CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, बॉन्ड BR। ठीक है, ये हो गया टर्शरी एल्काइलाइड। इसका रिएक्शन कराएंगे KOH एक्वस के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये हमेशा एल्कीन ही देने लगेगा, मतलब एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। CH3 यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा अल्कोहल बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है? दिस मैथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ 3° एल्कोहल। ठीक है, 3° का एल्कोहल हेलो एल्कीन के एक्वस KOH या NaOH के रिएक्शन को कराने पे नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस मैथड इज नॉट सुटेबल। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? हमारा जो एल्कोहल है वो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत कम परसेंटेज में बनेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आएंगे रिडक्शन प्रोसेस की तरफ, रिडक्शन। ठीक है, तो हम रिडक्शन कराएंगे दो चीज़ों का। ठीक है, पहला क्या? एल्डिहाइड का। दूसरा क्या कराएंगे? कीटोन का कराएंगे जी। ठीक है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे और कराएंगे कीटोन का रिडक्शन। ठीक है, अच्छा एक कंपाउंड और होता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका भी रिडक्शन करा सकते हैं, लेकिन पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन में सीखेंगे कि कैसे कैसे होगा। देखिए, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच प्लस क्या आ गया? अब रिडक्शन कराना है तो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या बनाएगा? R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या हो गया? 1° का एल्कोहल हो गया। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड जो है वो 1° एल्कोहल दे रहा है आपको। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन पे कैसे विश्वास कर लेंगे? मैकेनिज्म बनाएंगे, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस H2। ठीक है, अब देखो क्या हो गया कि ये जो है, ये
डबल बॉन्ड, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करा देंगे, और हमारा कैसा बन जाएगा कि इससे बन के आएगा सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच, ठीक है। डबल बॉन्ड टूट गया, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और एच टू जो था दोनों पे जाके जुड़ गया जी, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, ये रिएक्शन होगी निकेल के प्रेजेंस में या फिर प्लैटिनम के प्रेजेंस में, ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और है एल आई ए एल एच फोर, लीथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसके प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होगी, मतलब ये तीन ऐसे रिएजेंट हैं जो कि रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। देखिए एनआई और पीटी क्या है, ये हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो हाइड्रोजिनेशन का कैटलिस्ट है, और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोजिनेशन के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हुआ, जो एल्डिहाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, अब देखिए हमारा एल्डिहाइड तो हो गया कन्वर्ट, अब कीटोन की बारी है। कीटोन को जब हम कन्वर्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में, पीटी के प्रेजेंस में, या फिर एल आई ए एल एच फोर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना के देगा, ये बना के देगा सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। कीटेन कीटोन ले लो, सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री प्लस एच टू का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। क्या बनेगा जी, बनेगा सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, एक एच यहाँ लग जाएगा, एक एच नीचे लग जाएगा, एक सी एच थ्री यहाँ लग जाएगा। अब देखिए जिस कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन पे दो क्या लगे हुए हैं, मिथाइल। जिस कार्बन के ऊपर एक ओ एच ग्रुप लगा है, उस कार्बन के ऊपर दो मिथाइल भी लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ और एक ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल, ठीक है। ई हट जाएगा यहाँ से, दोनों वो हैं, तो अब देखो ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉन, ये हो गया प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन का जो आपने एच टू के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ एन आई पी टी और एल आई ए एल एच फोर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, जब इसमें हम क्या देंगे, हम इसमें देंगे क्या, हाइड्रोजन। जब इसमें हम एच टू का मॉलिक्यूल देंगे तो ये क्या देगा, ये देगा प्राइमरी एल्कोहल। अब देखिए जहाँ पर बस एक ही डबल बॉन्ड ओ था, बाकी कुछ नहीं था, वहाँ पे हमें 1 मोल एच टू देना पड़ रहा था, जैसे कि एल्डिहाइड में और कीटोन में। ऊपर ये देखिए कीटोन में एक ही डबल बॉन्ड ओ है, तो एक एच टू दे दिया तो हमारे पास एक ओ एच निकल गया, ठीक है। यहाँ क्या है, एक ओ एच पहले से लगा हुआ है, मीन्स इस डबल बॉन्ड ओ पूरे ओ को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, नहीं तो क्या मिल जाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें बनाना नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करा, तो जैसे सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच प्लस क्या हो गया जी, एच टू आ गया, क्या एल आई ए एल एच फोर, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, ये डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस कर देगा, तो क्या आ जाएगा, सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड ओ, ठीक है,
बॉन्ड एच, बॉन्ड एच, बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो LiAlH4 है ये हाइड्रोजन का बहुत बड़ा सप्लायर है, मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है दोबारा से हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये जो हाइड्रोजन है इस OH को लेके अलग हो जाएगा, बनाएगा क्या, CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड जहाँ से OH निकला वहाँ H लग गया, नीचे H पहले से लगा हुआ था और एक OH हमारे पास था ही था, ठीक है। अच्छा ये OH प्लस इसके साथ एक H है, ये क्या है, H और H, दो H हैं ये OH और एक ये H, मिलके क्या बना देंगे, प्लस एक मॉलिक्यूल वाटर का, ठीक है। तो क्या क्या हो गया कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जो कि यहाँ क्या था, एसिटिक एसिड था, ये जब क्या हुआ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिड्यूस हुआ, तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। इथेनॉल बन गया और क्या बन गया, वाटर बन गया जी, ठीक है। अच्छा अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे किसका, ईस्टर का रिडक्शन, ठीक है, कि एस्टर कैसे रिड्यूस होता है, रिडक्शन ऑफ एस्टर, रिडक्शन ऑफ ईस्टर, ठीक है, कि ईस्टर कैसे रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ईस्टर में क्या है, R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है, ऐसा होता है ईस्टर, ठीक है। अच्छा ईस्टर को जब हम रिड्यूस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 तो ये क्या करेगा, ये एक तो हमें देगा एल्कोहल CH2OH, ठीक है, एक और एल्कोहल देगा, मतलब ये जो दोनों R हैं ये अपना अलग अलग एल्कोहल देने लगेंगे। वो काम कैसे होगा, देखिए R की जगह मान लो ले लिया CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये CH3 बॉन्ड C, इसको काट देते हैं थोड़ा सा, दोबारा लिख देते हैं, CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड CH3, ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। अब क्या है, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है पहले H2 का, ठीक है। तो देखो एक बार क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी है बॉन्ड ब्रेकिंग की, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है बॉन्ड ब्रेकिंग की, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए, क्या आ गया, CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड OH, बॉन्ड H, बॉन्ड O, बॉन्ड CH3, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये हाइड्रोजन तो काम आ गया, एक दूसरा हाइड्रोजन लेके आ गया बाहर से, ठीक है, ये क्या है, नीचे मैं लिख देता हूँ, ये नेक्स्ट हाइड्रोजन है, ठीक है, ये नेक्स्ट हाइड्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है, इस वाले बॉन्ड को, तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड OH, बॉन्ड H, बॉन्ड H, ठीक है, ये एक अल्कोहल बन गया, प्लस H बॉन्ड O, बॉन्ड CH3, ये दूसरा अल्कोहल बन गया, मतलब ये क्या बन गया, इथेनॉल, ये क्या बन गया, मिथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल दो तरह के अल्कोहल बन गए, मतलब समरी के तौर पे क्या हो जाएगा कि अगर इसको एक समरी की तरह याद किया जाए तो एल्डिहाइड जो है वो क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा, कीटोन जो है वो क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा, कार्बोक्सिलिक जो है वो क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा, लेकिन 2 टाइम्स रिडक्शन पे देगा, मतलब जितना हाइड्रोजन इसमें यूज़ हो रहा था उसका डबल हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज़ होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो एस्टर है वो क्या करेगा, ये 2 डिफरेंट अल्कोहल्स देगा,
ठीक है, तो ये क्या है, समरी किसकी, रिडक्शन की, उससे रिडक्शन से बन क्या रहा है, एल्कोहल बन रहा है, मतलब एल्कोहल इज अ रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है उसका रिडक्शन करेंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक ग्रिगनार्ड की तरफ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, आर एम जी एक्स, ठीक है। तो हमें तीन काम करने हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराना है हमें फॉर्मल डिहाइड के साथ, ठीक है, एसिटल डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं, फॉर्मल डिहाइड एच सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच प्लस आर एम जी एक्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो आर एम जी एक्स है इसमें मैग्नीशियम जो है ये क्या है, मेटल है, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की साइड में मूव कर जाएगा तो बन क्या जाएगा, एच बॉन्ड सी बॉन्ड ओ पे नेगेटिव सी पे पॉजिटिव बॉन्ड एच प्लस आर पर नेगेटिव प्लस एम जी एक्स पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, ये मूव कर गया यहाँ, ये मूव कर गया यहाँ, ठीक है, क्या बन गया, एच बॉन्ड सी बॉन्ड आर बॉन्ड एच बॉन्ड ओ एम जी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ओ एम जी एक्स, ये जो ओ एम जी एक्स का कॉम्प्लेक्स बना है इसका हम रिएक्शन करवाएंगे एच ओ एच के साथ, जानते ही हैं एच ओ एच क्या होता है, वाटर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो नेगेटिव है ये वाला ये जाएगा इस पॉजिटिव पे और ये जो पॉजिटिव है ये जाएगा इस नेगेटिव पे, ठीक है। तो क्या बन गया, एच बॉन्ड सी बॉन्ड आर बॉन्ड एच बॉन्ड ओ एच, ये क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल, साथ में क्या बन गया, एम जी ओ एच एक्स, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसके साथ था, हमारा फॉर्मल डिहाइड के साथ, ठीक है। अब यही काम करेंगे एसिटल डिहाइड के साथ, सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच प्लस आर बॉन्ड एम जी बॉन्ड एक्स, आर पे पॉजिटिव, सॉरी आर पे नेगेटिव एम जी पे पॉजिटिव, ठीक है। ये बॉन्ड इधर मूव कर गया, बन क्या गया, सी एच थ्री बॉन्ड सी ओ पर नेगेटिव सी पर पॉजिटिव बॉन्ड एच प्लस आर नेगेटिव प्लस एम जी एक्स पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर वैसे ही कर दो, नेगेटिव वाले को यहाँ भेज दो, पॉजिटिव वाले को यहाँ भेज दो, क्या बन गया, सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड क्या, आर लग गया नीचे बॉन्ड एच बॉन्ड ओ एम जी और एक्स, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, इसका फिर से रिएक्शन कराया एच ओ एच के साथ, ठीक है, तो एच पे पॉजिटिव ओ एच पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव को सेट करना है अपनी जगह पे, देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये यहाँ चला गया, ये आ गया नेगेटिव, आ गया पॉजिटिव पे, पॉजिटिव आ गया नेगेटिव पे, ठीक है। क्या बन गया, सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एच बॉन्ड एच बॉन्ड आर, ठीक है, ये क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब देखिए कीटोन का करा देते हैं, कीटोन क्या है, सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे आर बॉन्ड एम जी
एक्स से, एम जी पे पॉजिटिव चार्ज, आर पे नेगेटिव चार्ज, ये इधर मुड़ गया, क्या बना दिया, सी एच थ्री बॉन्ड सी, ओ पर नेगेटिव चार्ज, सी पर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड सी एच थ्री। ठीक है, जैसा पहले हो रहा था वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है। आर नेगेटिव प्लस एम जी एक्स पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डेल्टा लगा लो। ठीक है, अब देखो आर जो है वो इस पे कंबाइन कर गया, एम जी कंबाइन कर गया इधर। ठीक है, बस एरो का ख्याल रखना है, एरो कहाँ से कहाँ जा रही है मुड़ के। सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड ओ एम जी एक्स बॉन्ड सी एच थ्री बॉन्ड आर। ठीक है, इसका रिएक्शन कराया एच ओ एच के साथ, एच ओ एच को बांट दिया नेगेटिव पॉजिटिव में, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, फिर से ओ एच जाएगा पॉजिटिव कार्बन पे और एच जाएगा इस पर ओ एम जी एक्स पे, तो क्या बन जाएगा, इधर लिखते हैं, बन जाएगा सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड क्या ओ एच बॉन्ड सी एच थ्री बॉन्ड आर प्लस एम जी ओ एच एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 डिग्री का एल्कोहल। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास क्या आ गया कि फॉर्मल्डिहाइड देता है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इससे बड़ा कोई अदर एल्डिहाइड देगा 2 डिग्री का एल्कोहल, और जो कीटोन्स होंगे वो देंगे 3 डिग्री का एल्कोहल। ठीक है, तो ये इसकी समरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और वीडियो को हमेशा देखते रहिए, अभी अल्कोहल का इतना पार्ट आया है, बाकी पार्ट अभी आगे आएगा। ठीक है, मेरा वीडियो आप इंस्टा पे भी देख सकते हैं जो कि मेरे ही नाम से है, डॉक्टर आकाश केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, बाकी मैंने 12th के और भी टॉपिक्स डाले हुए हैं, जैसे ओजोनोलिसिस, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, मैंने सॉल्यूशन चैप्टर से भी अच्छा सा डेरिवेशन डाला हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी डाला हुआ है। ठीक है, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, वो सब भी आप देख सकते हैं, जो कि बोर्ड में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, थैंक यू।